नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवेना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायो एसे ऑफ. मैंने क्लास के अंदर भी आप लोग को जब ये चीजें पढ़ाई हैं तो बोला था ठीक है ओवरऑल इतना याद नहीं रख पाओ, एक हर चीज का बायो एसे प्लस उसका फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है वो सब सिर्फ वो इम्पोर्टेंट है. डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है, वेरी इजी क्वेश्चन. एवेना कर्वेचर जो है ये किसके बायो एसे के लिए यूजफुल है, इट इज द इंडोल एसेटिक एसिड, दैट इज सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द टर्म इन कॉलम फर्स्ट विद देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज द डोमिनेंस, तो आप बताइए डोमिनेंस. पहले तो आपका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस और जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था ये आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स थे, ठीक है. तो डोमिनेंस के लिए पूछा है, डोमिनेंस क्या होता है कि अगर आपका इट इज दैट फर्स्ट ऑप्शन इज द मेन जीन गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर इन अ हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ. सेकंड करेक्ट मैच है डोमिनेंस का, अगर कोई भी हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एक ही अलील उसको एक्सप्रेस करता है इट इज द डोमिनेंस. फॉर एग्जांपल आपका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें जो F1 जनरेशन थी उसने क्या किया था, सबसे पहले प्योर टाल प्लांट को प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया, ठीक है. जब मेंडल ने प्योर टॉल प्लांट को प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया तो उसने क्या देखा, उसकी जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन कैसी थी, इट इज द टॉल. अगर आप उसे फिनोटिपिकली देखते थे तो क्या थी, वो टॉल थी. फिर उसने ये देखा, फिर उसने इसको ही सेल्फिंग कराई, ठीक है. तो डोमिनेंस में क्या, इससे इसने फर्स्ट फीलियल जनरेशन को इट इज अ इम्प्योर टॉल प्लांट उसने ये देख के क्या बोला, इसके रिजल्ट निकाला था उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस कि अगर आपका कोई भी एक हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर जो दो फैक्टर होते हैं, एक आपका होता है डोमिनेंट एक होता है रिसेसिव. तो किसी भी हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में आपका वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है जो होता है डोमिनेंस. तो ए वाला जो है उसका सेकंड इज द करेक्ट थिंग, डोमिनेंस इन एन हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल दैट जो कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी, ठीक है, ये इसका फिनोटिपिकली था ये टीटी, दैट इज अ इम्प्योर टॉल प्लांट, ठीक है, इट इज इम्प्योर टॉल. लेकिन अगर आप इसे फिनोटिपिकली देखेंगे तो ये क्या आपको दिखेगा, कैसा, टॉल. क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये जो स्मॉल टी है इट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर, और ये जो लार्ज ट्री बिग कैपिटल वाला जो टी है ये इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है. तो इस हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में जो इसका डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दिस इज द डोमिनेंस. दैट्स व्हाई फर्स्ट का तो है आपका सेकंड, डोमिनेंस इन अ हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ. बी वाला जो ऑप्शन है आपका इट इज द कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है, आपने एनसीईआरटी के अंदर आपका ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप उसमें ए बी दोनों फैक्टर एक साथ दिखते हैं, ये एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, मतलब कोडोमिनेंस नाम से ही पता लग रहा है. कोडोमिनेंस में क्या होता है, किसी भी हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म के अंदर जब दोनों ही अलील अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस करें तो उसे अपन बोलते हैं कोडोमिनेंस. ऑप्शन आपके थे, दिस आर द ऑप्शन. अब देखो आप इतना सॉल्व करोगे, अगर ए का आपको पता है कि इन अ हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन अलील एक्सप्रेस, दैट इज ए का करेक्ट ऑप्शन है सेकंड. बी के लिए है थर्ड, ठीक है. ऑप्शन देखिए, ए का सेकंड और बी का थर्ड, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में और कहीं है ही नहीं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. दैट्स व्हाई फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन. ओके, इजी क्वेश्चन है ये तो, जेनेटिक्स का एकदम बेसिक पार्ट आई थिंक सबका ही सही हुआ होगा, क्योंकि आप इसके आगे नहीं भी जाते हैं, इसके आगे नहीं भी जाते हैं प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक, सिर्फ ए और बी ही करेक्ट करते हैं, जो कि सबको पता होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस क्या होता है, एवरीबडी नो. तो बस इन दोनों ऑप्शन के बेसिस पर भी आप आंसर करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ए का सेकंड आपको पता है, बी का थर्ड आपको पता है, ए का सेकंड और बी का थर्ड ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, ओनली फर्स्ट. तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन. ओके,